हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और हंसी खुशी होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ। मैं जा रही थी किसी काम से, वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस काम से जा रही थी। मार्केट, और बाहर हो रही है बारिश, तो कपड़े हमने कुछ इस तरीके से सुखाए हुए हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। जीन्स वगैरह आया कुछ, और पूरे सोफे पे कपड़े फैले हुए हैं, मतलब पूरे घर का तहस नहस अत्याचार हो रखा है। तो यहाँ पर मैं तैयार हो रही थी फटाफट वाला, क्योंकि जल्दी से ही जाना था। काम करके बस लौटना भी तो है, फिर जाऊँगी फिर आऊँगी। और यहाँ पर हमने फटाफट से जैकेट पहन ली क्योंकि बाहर है सर्दी, बारिश हो रही थी, फिर जा नहीं पाए, फिर रुक गए हम। उसके बाद में फिर थोड़ा सा बारिश रुकी तो मैंने कहा चलो अपना काम फटाफट से करके आते हैं। और ये जैकेट भी ऐसी है ना कि इसमें पानी रुकेगा नहीं अगर बारिश हो भी जाती है तो। वैसे हुई नहीं थी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ही प्यारा वाला, बहुत अच्छा लग रहा था मौसम में। मैंने कहा चलो चलते हैं फिर, क्योंकि कुछ काम भी ज़रूरी हो जाते हैं। चलिए, घर का ताला लगा दिया है, अब हम उतरेंगे सीढ़ियाँ। सीढ़ियाँ उतरने के बाद हमको यहाँ से लाइट बंद करनी पड़ेगी क्योंकि बाहर दिन है और अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, ये कैमरे में थोड़ा अंधेरा आ रहा है ना। तो ये लाइट हमें बंद करनी पड़ेगी क्योंकि दोपहर के 1 या 2 ऐसे कुछ बज रहे थे जब हम गए थे। तो सीढ़ियाँ मैं उतर चुकी हूँ, ये देखिए बाहर है ना रोशनी, बाहर इतना अंधेरा नहीं है, अंदर अंधेरा सा लगता है थोड़ा सा, सीढ़ियों पे अंधेरा रहता है। और ये जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगल बगल हरियाली है और इसके साइड में, राइट साइड में नहर भी जा रही है, इंडन नदी है ना उसकी नहर, यही से गई है पास में। ये पुल है, ये राजनगर के लिए जाता है। हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, सब समझ गए होंगे हमारी मंजिल कहाँ है। तो मैं जा रही हूँ मॉल में अंदर। हम पहुंच गए मॉल के अंदर, अब हम ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ जाना है। असल में मुझे लेने थे, मुझे नहीं, शाम को शॉपिंग करनी थी उनके पैंट की, तो उन्होंने अपना पैंट ले लिया है टेंट से, लिया है यहाँ से। दो दो ट्राउज़र लिए हुए हैं, और इन्होंने एक ट्राउज़र और लिया था, 3 शर्ट ली थी, तो वो मतलब इसके बाद में लिया था जब हम सेकंड टाइम आए थे ना तब। इस ब्लॉग में तो 2 ट्राउज़र ही दिखाऊंगी मैं आपको, क्योंकि वही लिए थे सेकंड टाइम आके, फिर हम वो लेकर के गए थे। और यहाँ पर हम फ़ोटो बनवा रहे थे अपनी। मैंने श्याम से कहा कि इसके साथ मेरी फ़ोटो खींच दो, हमेशा ये भरा ही रहता है, कोई ना कोई यहाँ पर बैठा ही रहता है। तो और मैं थक भी गई थी, जगह खाली देख करके ना मैं बैठ गई। असल में क्या होता है ना, कोई भी थक जाता है तो वो यहाँ पर आकर बैठ जाता है, तो इस बार मुझे मौका मिल गया। तो श्याम बोले कि हाँ, अपने भाई के साथ में फ़ोटो खिंचवाओ मतलब इसको मेरा भाई बना दिया। और फ़ोटो वगैरह मतलब वीडियो बनाना रहता ही है, कहीं पे भी जाओ तो वहाँ की वीडियो बना लो। बाहर का मौसम बहुत ही प्यारा था, ये देखिए कितना सुंदर मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा मौसम था। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हुए थे जो कि ख़त्म हो गए हैं, और आजकल चल रही है मेरी तबीयत ख़राब, तो अब मैं कैसे अपने वीडियोस बनाऊंगी समझ में ही नहीं आ रहा। वापस आ गए हम अपने घर को, ये वापस आते टाइम ही सब्ज़ी मंडी पड़ती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, तो बीच में सब्ज़ी मंडी पड़ती है, उसके बाद में फिर हम लोग जहाँ पे रहते हैं वो वाली कॉलोनी स्टार्ट हो जाती है। सब्ज़ी मंडी से तो काफ़ी दूर है। और जो पैंट की शॉपिंग हमने की है वो ये रही, 2 पैंट लेकर के आए हैं, अच्छे हैं, शाम ने पहन के भी देख लिए, ट्राई करके देख लिए, अच्छे हैं। इसके अलावा भी उन्होंने शॉपिंग करी है जो कि इस ब्लॉग में नहीं बता पाऊँगी क्योंकि हम बाद में लेकर के आए थे। तो जो भी मेरा ब्लॉग था वो यही था। और कैसा लगा आपको, आजकल मैं छोटे छोटे ब्लॉग ही बना रही हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है किसी के पास भी लंबे चौड़े ब्लॉग देखने के लिए,
तो जो भी है जैसा भी है छोटे मोटे ब्लॉग में बना ले रही हूँ। क्या करूँ, कुछ है ऐसा परेशानी जो कि हर बात बताई नहीं जा सकती है ब्लॉग में। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।